चलो भाई लोग इकट्ठा हो जाओ। आज मैं आपके लिए एक दिल छू लेने वाली विलेज की कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है समझने की, सब्र रखने की और उन सबक की जो हम छोटी छोटी चीजों से सीखते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से चहल पहल वाले विलेज में बहुत सारे मुर्गे रहते थे। उनमें से एक खास मुर्गा था जिसे बच्चे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ओहो कभी कभी वो उसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार करने लगते। एक दिन तंग आकर इस मुर्गे ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा, क्या हो अगर कल सुबह मैं बांग ही ना दूं? हाँ, इससे लेसनों पता चल जाएगा कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। वो मेरी आवाज को मिस करेंगे और सोते रहेंगे। ये सोचकर कि उसे लेसनों सबक सिखाने का परफेक्ट तरीका मिल गया है, उसने अगली सुबह चुप रहने का फैसला किया। तो सूरज निकला जैसे वो हमेशा निकलता है, लेकिन इस बार विलेज बिल्कुल शांत था। कोई बांग नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सब लोग फिर भी जाग गए। किसान खेतों में चले गए, बेकर अपनी भट्टियां चलाने लगे और बच्चे, ओ बच्चे, वो तो खेलने के लिए बाहर भागे। अपने बाड़े पर बैठा मुर्गा हैरानी से देख रहा था। जिंदगी चल रही थी। हमारे पंख वाले दोस्त के लिए ये सीखने वाला पल था। उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। लेसन अपना रोल है, लेकिन किसी एक के ना होने से सुबह का सूरज रुकता नहीं। अपने चुपचाप प्रोटेस्ट पर सोचते हुए उसने सीखा कि रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस समझदारी और दया से आती है, पॉइंट प्रूव करने से या दूसरों को यह एहसास कराने से नहीं कि वो हमारे बिना नहीं रह सकते। तो अगली सुबह वो पहले से भी जोर से बांग दी, विलेज को जगाने के लिए नहीं बल्कि इसका हिस्सा होने का जश्न मनाने के लिए। उसने फिर कभी सुबह रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने लेसन के साथ उठना सीखा, विलेज की चहल पहल में हिस्सा लेते हुए। और प्यारे दोस्तों, ये हमारी कहानी का अंत है। याद रखना, हमारे छोटे मुर्गे की तरह हम सब अपने तरीके से इंपॉर्टेंट हैं। चलो गर्व से बांग दें, ये दिखाने के लिए नहीं कि हम दिन रोक सकते हैं, बल्कि इसका हिस्सा होने का जश्न मनाने के लिए। सुनने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक सीखते और हंसते रहो।